सम्मान बनाना चाहता है और वह हम सब पर धर्म परिवर्तन के लिए अत्याचार कर रहा है। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हैं। अरे यह तो बड़ी दुख की बात है। पिताजी, राज दरबार में ऐसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? बेटा जी, मुगल शासक हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते हैं और वह हम सब पर धर्म परिवर्तन के लिए अत्याचार कर रहे हैं। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हैं। पिताजी, तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? है बेटा, समस्या का समाधान। वह क्या पिताजी? किसी महापुरुष के बलिदान से ही इनका कष्ट दूर हो सकता है। पिताजी, आपसे बढ़कर मानव कौन हो सकता है? बेटा जी, यदि मैं शीश कटाकर परलोक चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? गुरु नानक की गुरले गद्दी की रक्षा कौन करेगा? सिखों का नेतृत्व कौन करेगा? आप तो सिर्फ 9 वर्ष के हो, क्या यह सब आप समझ सकोगे? ठीक है बेटा, गुरु नानक की इस गुरे गति की रक्षा के लिए, सिखों के नेतृत्व के लिए मैं तुम्हारा राज तिलक करता हूँ। तुम सदैव गुरु नानक की इस गुरे गति की रक्षा करना और सिखों का नेतृत्व भी करना। अब मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूँ। रुको गुरुजी, इस्लाम कबूल करो या कोई चमत्कार दिखाओ। मैं तेरे जैसे निर्दयी अत्याचारी की कोई बात स्वीकार नहीं करूंगा। गुरुजी, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो या कोई चमत्कार दिखाओ। मैं इस्लाम स्वीकार कदापि नहीं करूंगा। इसको बंदी बना लिया जाए। चेतावनी देने पर भी वह कार्यवाहियों को बंद नहीं करता तो उसे खदेड़ा जाए।
बंदी बनाया जाए अथवा कत्ल कर दिया जाए, आनंदपुर को पूर्णतया नष्ट करके निश्चय नाबूद कर दिया जाए। भाई आनंदपुर को निश्चय नाबूद कर देने का स्वप्न देख रहा है, उसकी इतनी हिम्मत कि भाई आनंदपुर को निश्चय नाबूद करेगा। गुरु गोविंद सिंह पर इस फरमान का कोई असर नहीं हुआ। क्या गुरु गोविंद सिंह पर मेरे पहले फरमान का कोई असर नहीं हुआ? एक और अंतिम फरमान लिखा जाए। सुल्तान फरमान तैयार है। ये फरमान गुरु गोविंद सिंह के दरबार में पहुंचा दिया जाए। महाराज औरंगजेब के दरबार से एक मुगल सैनिक आया है, उसको दरबार में हाजिर किया जाए। प्रणाम गुरुजी। सुल्तान ने एक और फरमान भिजवाया है, पढ़कर सुनाया जाए। कोई भी हिंदू और राजपूतों को छोड़कर जो मुगल राज्य में कर्मचारी थे, सिर पर चोटी नहीं रखेगा, पगड़ी नहीं बांधेगा, शस्त्र धारण नहीं करेगा, हाथियों पालकियों और अरबी घोड़ों पर नहीं चढ़ेगा। मेरा सिख चोटी ही नहीं बल्कि पूर्ण केसधारी होगा। मेरा सिख केसों की बेअदबी नहीं करेगा। मेरा सिख शस्त्रधारी भी होगा। मेरा सिख हाथी घोड़ों और पालकियों पर भी बैठेगा। सुनो सुनो सुनो, गुरु गोविंद सिंह का एक संदेश सुनो। सभी लोग किले के पास एकत्रित हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने खड़ा होकर यह कहना चाहता हूँ कि इन मुगलों ने हम पर बहुत अत्याचार कर लिए हैं। आखिर कब तक हम इन विदेशी अत्याचारों को सहन करते रहेंगे? अब समय आ गया है इन मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ फेंको। इन मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ फेंकने के लिए आपका सहयोग चाहता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज देश धर्म की रक्षा के लिए मुझे शस्त्रों की नहीं सिखों के शीश की आवश्यकता है। मुझे अपने सिख का शीश चाहिए, केवल शीश। यह परीक्षा की घड़ी है, गुरुदेव हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। हमें गुरुदेव की परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। हाँ, हमें गुरुदेव की परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। माता जी, गुरु जी को समझाइए, वह सिख का शीश मांग रहे हैं, उनकी इस मांग से अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मैं गोविंद के कार्य में दखल नहीं दे सकती। मुझे शीश चाहिए, केवल शीश। गुरुदेव रास्ता की हाजिर है, मुझे तुम जैसे पीरों की शीश की आवश्यकता है। आओ गुरुदेव, रास्ता शीश हाजिर है। मातृभूमि की रक्षा के लिए तुम भी मुझे अपना शीश भेंट करो। आओ, तुम भी आओ। बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। आओ, तुम भी आओ। गुरुदेव,
हमने मान दिया है, आप खालसा तो क्या वेट करेंगे। मैं अपने चारों सूत खालसा की नींव चढ़ाऊंगा। कहाँ है गुरु जी का खालसा, कहाँ है गुरु जी की फतह। कहाँ है गुरु जी का खालसा, कहाँ है गुरु जी की फतह। कहाँ है गुरु जी का खालसा, कहाँ है गुरु जी की फतह। दिखाई दे रहे हो, हम तुम्हें नवाबों के बच्चों जैसा रखना चाहते हैं। बस शर्त यह है कि तुम अपना धर्म त्याग कर इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें मांगा इनाम दिया जाएगा। बोलो बच्चों, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हमें अपना धर्म प्राण से ही प्यारा है, हम उसे अंतिम सांस तक नहीं छोड़ सकते। क्या इन बच्चों को सजा दी जानी चाहिए? ये मासूम बेगुनाह है, इस्लाम के अनुसार इन्हें सजा नहीं दी जा सकती। ये बागी बाप के बागी बेटे हैं। फिर भी इस्लाम के अनुसार पिता की सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती। परंतु इन्होंने इस दरबार का भी तो अपमान किया है, फिर भी वे नाबालिग हैं, इसलिए वे बेगुनाह हैं। बच्चों अभी भी समय है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरा कहना मान लो और इस्लाम कबूल कर लो, शाही ऐशो आराम भोगो। हम गोविंद सिंह के पुत्र हैं, हमारे दादा तेज बहादुर जी धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो रहे थे। हम उन्हीं की संतान हैं, हमें अपना धर्म प्राणों से ही प्यारा है, हम इसे अंतिम रास्ता नहीं छोड़ सकते। अच्छा बच्चों, ये बताओ यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? हम सैनिक एकत्र करेंगे और आपके अत्याचारों को समाप्त करने के लिए युद्ध करेंगे। यदि तुम हार गए तो? हार हमारे जीवन में नहीं है, हम सेना के साथ उस समय तक युद्ध करते रहेंगे जब तक यह जालिम शासन समाप्त नहीं हो जाता या हम युद्ध में शहीद नहीं हो जाते। बच्चों तुम्हें पता है तुम्हारे पिता तथा भाई युद्ध में मारे गए हैं, अब तुम्हारा संसार में कोई नहीं है। तुम नवाब का कहना मान लो और इस्लाम स्वीकार करो। हमारे पिता वीर योद्धा है, उनको कोई नहीं मार सकता। आपने सुना नवाब साहब, ये आपके शासन के विरुद्ध करना चाहते हैं। ये भी बड़े होकर अपने पिता के समान शाही साम्राज्य को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सांप के बच्चों पर दया दिखाना बेकार है। हाँ मैंने सुना, ये बच्चे हमारे शासन के विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं। ये बालक विद्रोह के लिए तैयार है, ये मुगल शासन के दुश्मन है, इन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। दादी माँ, हमने बात किया स्वीकार नहीं की। बच्चों तुमने पिता की लाज रख ली। मुगल नवाब वजीर खान दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। बच्चों अभी भी समय है, मेरा कहना मान लो और इस्लाम कबूल कर लो। यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हें दीवार में जीवित चुनवा दिया जाएगा। हम मौत से नहीं डरते, हम किसी भी शर्त पर इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे हमारी प्राण क्यों न चले जाए। इन शैतानों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। बच्चों इस्लाम स्वीकार कर लो, अभी भी तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते, संसार की कोई भी शक्ति हमें अपने धर्म से भगा नहीं सकती। काम करो। आप यह जो दीवार हमारे चारों उठा रहे हैं, यह पाप तथा अत्याचार की दीवार है। आप इस पाप की दीवार को जितनी शीघ्रता से ऊंचा करेंगे, उतनी शीघ्रता से मुगल साम्राज्य का पतन होगा।
बच्चों अभी भी समय है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। हम इस्लाम कदा भी स्वीकार नहीं कर सकते। इस दीवार को शीघ्रता से ऊंचा कीजिए। जो वीर जी आपकी आंखों में आंसू, क्या बलिदान से डर रहे हैं? तू बहुत बोला है, मौत से मैं नहीं डरता, बल्कि मौत मुझसे डरती है। इस पश्चात मैं पहले मेरी ओर बढ़ रही है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि तू मेरे पश्चात इस संसार में आया और मुझसे पहले तुझे बलिदान होने का अवसर मिल रहा है। भाई मैं तो अपनी हार पर पछता रहा।